Hello students, my name is Ninja Kumar and this is our second lecture of the series Theory of Consumer Behavior. So students, अभी तक हमने बात की थी, हमने starting की थी actually Theory of Consumer Behavior की, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसे basically particular situation में कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, then utility क्या होती है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बात किया था एंड कार्डिनल अप्रोच को हमने शुरू कर लिया था, जिसमें हमने उसके अजम्पशंस की बात कर ली थी और हमने थोड़ा सा इसका बेसिक कर लिया था कि कार्डिनल अप्रोच से रिलेटेड कौन से इकोनॉमिस्ट है, ठीक है. अब इसके आगे करते हैं, आफ्टर दी अजम्पशंस अब हम बात शुरू करते हैं इसके अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. देखो क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सबसे पहले बात, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसको हम गॉसेंस फर्स्ट लॉ, गॉसेंस का पहला सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गॉसेंस का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली कहती क्या है, कहती है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, क्या बोला इसने कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन को ज़्यादा करते हैं, कंजम्पशन हम बढ़ाते हैं, उपभोग को अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, आपकी कम होती जाती है. क्या कहा हमने कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी कम हो जाती है, ठीक है. यहाँ पे एक वर्ड आता है आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम एप्पल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे सपोज करो 1, 2, 3, 4 हमने क्या किया यहाँ पे एप्पल्स की कंज्यूम यूनिट ले ली 1, 2, 3, 4, तो उससे मिलने वाली एक एक्स्ट्रा यूनिट मतलब एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 1 यूनिट एप्पल को कंज्यूम करने से यूटिलिटी मेरे को मिली 10, ठीक है, और सेकेंड को कंज्यूम करने से मेरे को मिली 8, थर्ड को कंज्यूम करने से जैसे सपोज करो मुझे मिली 6 और फोर्थ को कंज्यूम करने से मुझे मिली 4, तो ये जो क्या है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट जो हम कंज्यूम करने के कारण जो हमें एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है दैट विल बी नोन एज द मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है. अब अगर मेरे को टोटल निकालनी हो तो टोटल कैसे कर सकते हैं, टोटल होता है कि आप मार्जिन यूटिलिटीज़ को मार्जिन यूटिलिटी को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आपकी टोटल यूटिलिटी निकल जाएगी. यानी कि फोर्थ यूनिट को कंज्यूम किया तो कितनी आई आपकी 10, सेकेंड को कंज्यूम किया तो उसमें फर्स्ट और सेकेंड आपकी ऐड हो जाती है, ये हो जाती है 18, थर्ड को कंज्यूम किया तो 18 + 6 कितना देगा 24 हो जाएगा, एंड देन फिर अपना 4 इसके अंदर और ऐड कर देते हैं 28 हो जाता है, ठीक है. तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी कि सभी के सभी टोटल यूटिलिटी क्या हुई फिर इस यहाँ से क्या निकल के आया टोटल यूटिलिटी कि जब क्या है कि सारी की सारी यूनिट्स को आप कंज्यूम करते हो, उन सारी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने से मिलने वाली उपयोगिता जो यूटिलिटी होती है दैट विल बी नोन एज द टोटल यूटिलिटी. और मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जो आपको उपयोगिता मिलती है, यूटिलिटी मिलती है, दैट विल बी नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी. तो यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या आया, MU इज इक्वल टू TU एन माइनस TU एन माइनस 1, ठीक है. इसका एक फॉर्मूला और हो जाता है कि चेंज इन TU के अंदर कितना चेंज आया, यानी कि टोटल यूटिलिटी के अंदर कितना चेंज आया एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी को कंज्यूम करने के लिए. और यहाँ से हम इसको बेसिकली जो डिफरेंशिएशन के फॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या करें, हम टोटल यूटिलिटी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले लो क्यू के रिस्पेक्ट में, तो वो भी आपका क्या निकल के आता है, मार्जिन यूटिलिटी निकल के आता है, ठीक है. और आपका जो ये जो मार्जिन यूटिलिटी है ये क्या होती है, ये आपकी स्लोप शो करती है, स्लोप ऑफ TU शो करती है आपकी MU, ठीक है ना. तो यानी कि अगर आपको यहाँ से निकालना हो तो TU क्या हो जाएगा आपका समेशन कह लो और इंटीग्रेशन कह लो समेशन ऑफ MU हो जाएगा, या फिर कहो हम इसे मैथमेटिकल टर्म्स में कहें तो इंटीग्रेशन ऑफ MU हो जाएगा, ठीक है. TU से MU निकालना है तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और MU से TU निकालना है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है. अब
यहाँ इस केस के अंदर अब इसमें भी हमारे दो तीन चीज़ें आती हैं कि अगर आपका कंज्यूमर मतलब वन कॉमोडिटी केस की अगर हम बात करें, इक्विलिब्रियम में क्या की बात करें, हम वन कॉमोडिटी केस करें हम लेके चलें और आपका मल्टी यूनिट्स जो आती हैं आपकी कॉमोडिटी का केस आता है तो आपका डिफरेंट डिफरेंट केस आते हैं। तो अगर मैं वन कॉमोडिटी केस की बात लेके चलूँ तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, जहाँ पे आपका एम यू एक्स किसके इक्वल हो जाए आपके पी एक्स की, यानी कि आपके जो प्राइस है एक्स कॉमोडिटी का वो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पर बराबर हो जाएगी वहाँ पे आपका कंज्यूमर क्या हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम कि मैंने यहाँ पे यूनिट्स ली, ठीक है, यहाँ पे ली मैंने यूनिट्स, ये हो गया मेरा टी यू, ठीक है, ये हो गया मेरा टी यू और ये मेरा हो गया एम यू, ठीक है, और ये हो गया मेरा पी एक्स, ठीक है। तो वन फर्स्ट पे 10 ही तो टी यू हो गया, वैसे ही आपकी एम यू हो जाएगी। और सपोज़ करो प्राइसेस हम लेके चल रहे हैं 6, तो 6 प्राइसेस आ गए। सेकेंड हुआ तब 8, ये 18, ये 18 तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये तो हमारे 6 चली रहे हैं, इसको हम ले लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7 यूनिट तक हम इसको ले लेते हैं। टी यू कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 24 हम लेके चल रहे हैं। ये सारी हमने हाइपोथेटिकल वैल्यूज उठाई हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, हमने हाइपोथेटिकल वैल्यूज ली हैं और ये 6 है ही आपका, और ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 6, ये 4, ये 2, 0 और ये माइनस हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, जहाँ पे क्या है आपका एम यू एक्स पी एक्स के इक्वल हो जाए, और एम यू एक्स पी एक्स के इक्वल कहाँ पे आ रहा है, इस थर्ड यूनिट पे, है ना, ये थर्ड यूनिट पे आ रहा है आपका, ये जो थर्ड यूनिट दिख रही है आपको, ये थर्ड यूनिट पे आपका क्या आ रहा है, आपका जो कंज्यूमर है वो क्या है आपका इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ से आपने नोटिस किया क्या कि आपका जो टी यू है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे जाने के बाद वो क्या है आपका इक्वल आर मतलब सेम हो रहा है, एंड देन फिर उसके बाद ये घटना शुरू हो गया ना, घटना देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट पे आके घटना घट भी गया, मतलब घटना तो ये यहीं से शुरू हो गया है और सेम यहाँ पे इन दो रेंज पे रहेगा, ठीक है। और एम यू आपकी लगातार आपकी एम यू क्या कैसी हो रही है, लगातार आपकी एम यू क्या है घटती जा रही है, और एक पॉइंट पे आके नेगेटिव जीरो होने के बाद ये नेगेटिव हो गई। तो दो चीज़ें हम बना सकते हैं यहाँ से, हम देखो अब देखो क्या है यहाँ पे आपकी टी यू है, इस एक्सिस पे हम एक ग्राफ में हम टी यू शो करेंगे, एक पे हम एम यू शो करते हैं, ठीक है। तो टी यू मैंने क्या बोला कि आपका टी यू लगातार बढ़ रहा है और एक पॉइंट के ऊपर जाके ये इक्वल होके फिर कम होना शुरू हो गया, तो हमने यहाँ से शुरू किया और ये हमने हो गया टी यू। अब इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे टी यू कैसा दिख रहा है आपको, ये इसको सैचुरेशन पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे हम इसे, ठीक है, जहाँ पे टी यू क्या है आपका मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम होने के बाद फिर ये गिरना शुरू हो गया। तो इसी लेवल इसी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब मैक्सिमम हो रहा था उस टाइम पे आपका एम यू कितना हो गया, यहाँ पे ज़ीरो हो गया, और उसके बाद आपका एम यू क्या हो गया, नेगेटिव होना शुरू हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखो तो अगर हम बात करें तो इसके बाद आपका एम यू क्या है घटना शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आपको टी यू शो कर रहा है, ये एम यू शो कर रहा है, यहाँ पे ज़ीरो, ये पॉजिटिव, यहाँ तक आपका एम यू पॉजिटिव था और इसके बाद ये नेगेटिव होना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो जहाँ तक अगर हम बात करें तो जहाँ पे आपकी जो एम यू है, एम यू जब तक पॉजिटिव है, टी यू भी आपका टी यू क्या है सॉरी आपकी टी यू आपकी बढ़ रही है, टी यू क्या है उस टाइम पे आपकी बढ़ती है। जब आपका एम यू ज़ीरो हो गया उस टाइम पे
एम यू क्या, टी यू क्या है आपका मैक्सिमम, और जब आपका एम यू घटना शुरू हो गया तो उस टाइम पे टी यू ने घटना शुरू हो गया। ठीक है जी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहती है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कम्युनिटी को जैसे आप कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है आपकी, कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये था वन कॉमोडिटी केस। इसके बाद मोर देन वन कॉमोडिटी केस हम करेंगे जिसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी और गॉसन का सेकेंड लॉ भी बोलता है, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या किया इसके अंदर, एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने इसके अंदर पढ़ा बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या है, इसके अंदर हमने मार्जिन यूटिलिटी की बात करी और टी यू एम यू के बारे में बात किया, और हमने कहा कि जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है दैट इज़ द कोसेंस फर्स्ट लॉ। ठीक है, और एक एग्जांपल के थ्रू हमने इस चीज़ को समझा कि कैसे टी यू और एम यू में जो रिलेशनशिप होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।